Assalamu alaikum, good morning students, how are you? Hope that you all are fine. I'm your English teacher and it's your English class. So students, today our topic is two letter words. Students, teacher ab aapko ek story sunayenge. Aap ready hain sunne ke liye? Okay, students, look at the board. Kya nazar aa raha hai aapko board par? Board par to bahut beautiful si pictures hain. Look, this is a beautiful house. Aur house ke samne kya hai? Park hai. Park mein to bahut sare swings hain. चलने से क्या होता है, वेदर बहुत ब्यूटीफुल हो जाता है और रेन होने लगती है. सो दिस इज एबीसी हाउस. अब एबीसी हाउस में से एक बॉय बाहर आता है. इस बॉय का नाम है ए. क्या नाम है? ए. अब ये ए जो है पार्क में प्ले करने के लिए जाता है. जब ये वहां प्ले करने जाता है तो इसे वहां एक बॉय नजर आता है जिसका नाम है च. क्या नाम है? च. तो एंड च मिलकर प्ले करने लगते हैं और बहुत सारा एंजॉय करते हैं क्योंकि वेदर भी बहुत ब्यूटीफुल है. सो स्टूडेंट्स, जब ए एंड च जब इनकी फ्रेंडशिप हो जाती है तो क्या बन जाता है? एट. क्या बन जाता है? एट. नाउ अब जब हम अगेन जब भी ए एंड च को एक साथ देखेंगे तो हम कैसे पढ़ेंगे? एट. कैसे रीड करेंगे? एट. सो स्टूडेंट्स, अब इस एबीसी हाउस में से एक बॉय अगेन बाहर आता है. इसका नेम है ई. क्या नेम है? ई. अब ये भी पार्क में प्ले करने जाता है. जब ये पार्क में प्ले करने जाता है तो यहां से एक और बॉय नजर आता है जिसका नाम है हम. के पास तो एक बॉल भी है. तो ई हम से कहता है क्या हम एक साथ प्ले करें? तो ई और हम एक साथ प्ले करते हैं और फ्रेंड्स बन जाते हैं. सो स्टूडेंट्स, जब ई एंड हम मिलकर प्ले करते हैं और फ्रेंड्स बन जाते हैं, जब ये टुगेदर हो जाते हैं तो क्या बन जाता है? इन. सो ई ने उनसे फ्रेंडशिप कर ली थी. सो स्टूडेंट, इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे और भी फ्रेंड्स हैं जो एबीसी हाउस से बाहर आए और फ्रेंडशिप कर ली. डू यू वॉन्ट टू मीट ए च एच ओ ओन अ प अप E, N, IN, C, N, O, NO, E, T, IT. Next, let's read again. AT, AT, AT. ON, ON, ON. UP, UP. क्वेश्चन को सॉल्व करना है. स्टूडेंट्स, सी नेक्स्ट क्वेश्चन. रीड
राइट द लेटर्स गिवन सी. ये कुछ ट्रिकी वर्ड्स हैं. यहाँ पर फर्स्ट वर्ड क्या है? आई. व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड? आई. सो नेक्स्ट वर्ड इज ही. द नेक्स्ट वर्ड इज ही. इसी तरह से आपने इसकी राइटिंग करनी है. ओके स्टूडेंट, यहाँ पर आपको डॉट नजर आ रहे हैं, इस डॉट से आपने स्टार्ट करना है, उसकी राइटिंग करनी है. स्टूडेंट्स नाउ ओपन बुक पेज नंबर 19. राइट डाउन डे, क्लास वर्क एंड डे. द क्वेश्चन इज मेक टू और थ्री लेटर वर्ड्स बाय यूजिंग द गिवन लेटर्स. देखिए यहाँ पर कुछ लेटर्स दिए हुए हैं हमें बुक में, हमने उससे टू और थ्री लेटर वर्ड्स बनाने हैं. ओके, टू लेटर वर्ड्स तो अभी हमने बनाए हैं ना. तो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट. आपकी बुक पर फोर लाइंस हैं, आपने भी फोर लाइंस पर प्रॉपरली लिखना है. फर्स्ट वर्ड इज ए ट एट. नेक्स्ट वर्ड इज इन. इसमें भी टू लेटर्स हैं. स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट वन अगेन. The next word is it. हमने क्या राइट किया है? टू लेटर वर्ड्स. अब हम थ्री लेटर वर्ड्स राइट करेंगे. स्टूडेंट्स आपने टू लेटर वर्ड्स की तो स्टोरी सुनी है, लेकिन थ्री लेटर वर्ड्स की अब मैं आपको बताती हूं. सी एट. हाउस से एक और बॉय आया है जिसका नाम है ब. क्या नाम है? सो स्टूडेंट्स अब ब ने एट से फ्रेंडशिप कर ली, तो क्या बन गया? ब एट बैट. ब एट बैट. सो हम क्या राइट करेंगे? ब एट बैट. स्टूडेंट्स द नेक्स्ट वर्ड इज लिप. लिप लिप लिप. सो इस तरह से आपने टू और थ्री लेटर वर्ड्स को बुक पर राइट करना है. The next question is read, write and learn the given tricky words. Again, हमारे पास कुछ tricky words हैं, आपने उनको read करना है. The first word is me. The first word is me. आपने इसी तरह से इसके आगे write करना है. The next word is she. The next word is she. So, इस तरह से आपने she भी four times write करना है. Okay, students? So, students, आज का हमारा टॉपिक क्या था? टू लेटर वर्ड्स. होप सो आपने इस लेक्चर को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा. स्टे होम, स्टे सेफ. अल्लाह हाफिज.